आंखों के साइड में ये पिंक चीज का क्या काम होता है, कैसे आप अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट कर सकते हो, और मुकेश अंबानी का ऐसा फैक्ट जिसे सुन के आपको अपनी लाइफ मजाक लगेगी, और हम बार बार हमारी पलकें क्यों झपकाते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 36 खूनी के पास से गुजरता है, ये सच है, और हमें पता भी नहीं चलता कि आपकी 30 साल की उम्र तक आपने 15 खूनी के पास से रास्ता क्रॉस किया होता है। नंबर 19, क्या आपको पता है इंडिया से चुराया गया जो डायमंड था वो आज तक क्वीन एलिजाबेथ अपने ताज पर रखती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है और ये डायमंड की कीमत बहुत ज्यादा है। एक एग्रीमेंट के दौरान ये वापस इंडिया में आने वाला था पर फिर ये नहीं आया और ये एग्रीमेंट भी कैंसिल हो गया था। आज भी इस डायमंड को आप उनके मुकुट के ऊपर देख सकते हो। नंबर 18, क्या आप पाम रीडिंग पर मानते हो, शायद मानते होंगे पर जापान में लोग इसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं, इतना ज्यादा कि जापान में एक नई टाइप की सर्जरी आई है जिसमें डॉक्टर सर्जरी करके आपके मनपसंद लाइन को बढ़ा सकते हैं और ये सर्जरी करके लोग अपनी सक्सेस की लाइन या ज्यादा जीने की लाइन ये सब बढ़ाते हैं। ये सर्जरी जापान में आजकल बहुत पॉपुलर है। नंबर 17, क्या आपको पता है कि एक ऐसा गांव है जहां कभी भी बारिश नहीं होती, दरअसल यहां हमेशा ही सूरज रहता है क्योंकि ये जो गांव है ये बादलों की भी ऊपर है। इस गांव को एक भी बार देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हो, ये बिल्कुल हेवन जैसा दिखता है और बादलों के ऊपर होने की वजह से इनके ऊपर कभी बारिश नहीं होती बल्कि इनके नीचे बारिश होती है। इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, ग्रीस में अगर कोई मरता है तो डेड बॉडी को सही से चेक करने से भी पहले वहां के सारे शीशे ढक देते हैं, ये वहां का एक सुपरस्टिशन है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंसान की आत्मा कांच में फंस जाएगी और उसके बाद उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी और वो घर वालों को डराएगी। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है पर फिर भी ग्रीस के लोग आज भी सुपरस्टिशन में बहुत विश्वास करते हैं। नंबर 15, साल 1988 में दो भाइयों ने मिलके एक मशहूर पेंटर गोया की एक फेक पेंटिंग को 11 करोड़ में बेच दिया। ये पेंटिंग नकली थी और बस 750 रुपए में बनी थी और ये दोनों भाई स्कैम करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थे पर एक दिन बाद उन्हें पता चला कि जो पैसे थे वो भी नकली थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन लोगों ने फेक पेंटिंग को फेक रुपीज में बेचा था, इसलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। नंबर 14, क्या आप किसी पानी के 4000 रुपए दोगे? आप जान के हैरान हो जाओगे कि विराट कोहली जो है वो 4000 पर लीटर वाला पानी पीते हैं। ये पानी ब्लैक कलर का होता है, इसे इवोकस नाम की एक कंपनी बनाती है। ये कंपनी ये भी दावा करती है कि इस पानी को पीने से आपका वेट भी अंडर कंट्रोल रहता है और एवरेज एक एथलीट दिन में 3-4 लीटर पानी पीता है, यानी कि डेली के 12000 रुपए विराट कोहली अपने पानी में उड़ा देते हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है आज तक मुकेश अंबानी ने कितनी कमाई कर ली है? अगर हम एवरेज में बात करें तो आज के डेट में मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे हैं कि वो अब अगर काम करना बंद कर दें और रोज 1 करोड़ रुपए खर्च करें तो फिर भी उन्हें 1730 साल लग जाएंगे हर एक पैसा खर्च करने में, इतने सारे पैसे हैं मुकेश अंबानी के पास। नंबर 12, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाथी भी तैर सकती है, एक्चुअली में हाथी बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं, हाथी पानी में डूबते नहीं, वो अपनी सूंड को पाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी हाथी 48 किलोमीटर तक बिना रुके तैर सकते हैं और तो और वो पानी के अंदर ही आराम कर सकते हैं। उनके शरीर की बनावट की वजह से वो हम इंसानों की तरह डूबते नहीं और पानी के सतह पर ही रहते हैं। नंबर 11, एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे जिनका नाम रिचर्ड हैमंड था और ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे और एक दिन की बात है जब ये अपने घर जा रहे थे तब ये एक ट्रैफिक में फंस गए और इनकी बेटी का बर्थडे था तो इसीलिए उन्होंने अपने पोर्शे 911 को ट्रैफिक में ही छोड़ दिया और अपने घर 25 किलोमीटर तक भाग के गए। इसमें उनको करीब 2.5 घंटे लगे पर फिर भी वो अपने घर टाइम पर पहुंच गए। नंबर 10, अभी मैं आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जान बच सकती है। सबसे पहला कि आपको कभी भी सीढ़ी से नीचे आते वक्त हाथों को अपने जेब में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर फिसला तो आप सीधा मुंह के बल गिरोगे और आपके हाथ बाहर हैं तो आप हाथ से अपने आप को बचा सकते हो कुछ पकड़ के या फिर हाथों को आगे करके, पर जेब में होने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सेकंड ये कि अगर आप कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो तो आपको हमेशा ये देख लेना चाहिए कि एग्जिट कहाँ है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर भीड़ भाड़ में
थोड़ा भी धक्का मुक्की हुआ तो कई बार लोग एग्जिट का रास्ता भूल जाते हैं। नंबर 9, जापान में कई बनाना के पैकेट में पक्के से लेके कच्चे तक हर टाइप के बनाना होते हैं। इसे वन डे बनाना कहा जाता है क्योंकि इसे आपको पता चलता है कि कौन सा बनाना कब खराब होगा और इस बनाना पे ब्लैक स्पॉट्स नहीं आते और बनाना फ्रेश लगते हैं। ये काफी स्मार्ट आइडिया है जिनको ऐसे ब्लैक स्पॉट्स वाले बनाना पसंद नहीं। नंबर 8, एक पायलट ने अपने आईफोन 10 को प्लेन से गिरा दिया था एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान। तभी वो प्लेन 11,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। यहाँ से गिरने पे अच्छे अच्छे फोन भी टूट जाते हैं, पर ये देख के वो चौंक गया। जब वो नीचे गया तब उसे अपना फोन एकदम सही सलामत मिला। अब ये फोन इतने ऊपर से गिरने पर भी सही सलामत कैसे है, ये तो एक मिस्ट्री है। पर इसे देख के पायलट ने ट्वीट किया था, आई गॉट द आईफोन विथ पावर ऑफ नोकिया। नंबर 7, रिसर्चर्स को हाल ही में एक शार्क दिखी थी जो कि अंडर वाटर एक्टिव वॉल्केनो के पास घूम रही थी। साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते थे पर वो शार्क के ज्यादा पास नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी कि पानी के अंदर भी उनकी स्किन जल रही थी। शार्क कई बार वॉल्केनो के पास तैरते हैं। शार्क ऐसा क्यों करते हैं ये रीजन अननोन है, पर कुछ शार्क की बड़ी स्पीसीज हैं जो साल में कई बार ऐसा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि शार्क अपनी बॉडी को हीट रखने के लिए ऐसा करते हैं। नंबर 6, आपके मम्मी पापा ने आपको बचपन से यही सिखाया होगा कि टेबल फैन के अंदर हाथ नहीं डालते, पर शायद ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जुई इलिस को किसी ने नहीं बताया होगा कि ये खतरनाक है क्योंकि ये तेज चलते हुए टेबल फैन को अपने जीप से रोक लेती है, हाथ से भी नहीं डायरेक्ट जीप से। इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा करना बचपन में ट्राई किया था और तभी इनकी जीप थोड़ी कट गई थी, पर इन्हें वो ट्राई करने में मजा आया तो ये कई बार खेलते खेलते स्लो स्पीड में पंखे को रोकते थे और ये करने की वजह से इनकी जीभ एकदम सख्त हो गई है। इसी वजह से अब इन्हें फुल स्पीड पंखे को रोकने पर भी कुछ नहीं होता। इसकी वजह से इनके टेस्ट बड्स को काफी डैमेज पहुंचा है, पर इनके इस टैलेंट ने इन्हें काफी पॉपुलर बना दिया है। नंबर 5, ब्लैक होल हमेशा से ही एक मिस्ट्री और फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है। एक बार कंपैरिजन के लिए देखो, यह है हमारा सोलर सिस्टम जो कि इस ब्लैक होल के सामने चावल के दाने जितना लगता है। सोचो अगर ये हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए तो क्या होगा। नंबर 4, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको खाबी लेम के बारे में तो पता ही होगा। आज ये काफी पॉपुलर बन चुके हैं, पर पहले ऐसा नहीं था क्योंकि लॉकडाउन और क्वारंटीन के शुरू होते ही इनकी जॉब चली गई थी। ये उनके पास लौटी जॉब थी, उसके बाद उन्हें खुद पता नहीं था कि वो क्या करेंगे और फिर इन्होंने इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का सोचा। आज उनके 100 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स हैं और 31 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स और अब इनके एनुअल इनकम 2 मिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 3, हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा टूल बनाया है जो कि आपकी तीसरी आंख बन सकती है। यह आंख आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है और इस कैमरे से आप जो भी देखते हो वो सबकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को जाती है और आप अपनी रियल आंख बंद करके भी इसके दम पर काम कर सकते हो। आप फोन में देख के चल भी सकते हो और सारे काम कर सकते हो जो आप अपनी रियल आंखों से करते हो। आप समझ लो कि ये टेक्नोलॉजी आगे चल के अंधों को आंखें भी दे सकते है। नंबर 2, आंख के बाजू में ये जो पिंक स्किन होता है इसका क्या काम होता है। अगर आपने कभी भी ये सोचा है तो आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ये दरअसल हमारी तीसरी आईलिड होती है यानी कि पलकें। जब भी हम आंख बंद करते हैं तो ये भी आंखों को साफ करने का काम करते हैं। अब धीरे धीरे ये किसी काम की नहीं रह जा रही, पहले ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, अब धीरे धीरे ये इंसानों से गायब होती जा रही है क्योंकि अब इसका काम ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। आप इसे एवोल्यूशन कह सकते हैं, कुछ सालों बाद ये इंसानों में नहीं होंगी। नंबर 1, हम बार बार हमारी पलकें क्यों झपकाते हैं, क्या ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ होगा। एक्चुअली में हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम 30 सेकंड से ज्यादा अपनी आंख खुली रखें तो हमारी आंख जलने लगती है। दरअसल हमारी आंखों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कोई नर्व्स नहीं होती, जिसके चलते हमारी आंखों को पलके झपकाने पर ही ऑक्सीजन मिलता है और आंखें झपकाने से हमारी आंखें गीली रहती हैं और वो जलती नहीं। अगर हम अपनी आंख खुली रखेंगे तो हमारे लिए सब धुंधला हो जाएगा और जितनी बार हम आंखें बंद करते हैं उतनी बार हमारी आंखें साफ भी होती हैं। आंखें झपकाने से हमारी आंख सूखी नहीं रहती, हर बार पलके झपकाने में आंख में मौजूद पानी रिफिल हो जाता है और हमारी आंख क्लियर और हेल्दी रहती है।
इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।